गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबको यार जजमेंट देना इतना अच्छा लगता है, सब जज बन जाते तो बेटर रहता। आज मैं फिर से आपको एक नया वीडियो देता हूँ जिसमें हम पूरे डे में क्या करते हैं वो दिखाता हूँ। मॉर्निंग 6 बजे के बाद हम इनको छोड़ना स्टार्ट, जब हम इनको छोड़ते हैं तो रूम में सब डॉग्स को जो टाई किए हुए थे, वो डॉग्स होते हैं टाई किए हुए जो या तो परेशान कर रहे हैं या लड़ सकते हैं, तो उनको टाई कर दिया जाता है रूम में और बाकी सबको फील्ड ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ से वो भागते हुए ऊपर आते हैं, ये स्टेप से वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से ये स्टेप चढ़ते हैं और ऊपर वाले एरिया में लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो ऐसी जगह पर है कि मैं बाहर लेके जाऊँ उससे पहले गली पार ना हो तो भी ये लोग फ्रेश हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो रोज़ रोज़ लड़ाई नहीं हो पाएगी। हाँ, 1-2 दिन के लिए ठीक है, जिनके पास एक डॉग है उनको भी ये पता है अड़ोस पड़ोस से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती बोलकर, और फिर वो तो झगड़ेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं और कितने चक्कर मारेंगे हम लोग भी, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ करा रहे हैं। अब जो नई जगह ले ली है वहाँ ओपन प्लेस है, मिट्टी वाला एरिया भी होगा, वहाँ हम लोग करा लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाहर इतनी प्लेस है घुमाने की, हम बाहर भी आराम से घुमा सकेंगे अगर होगा तो। यहाँ जो डॉग्स आते हैं कुछ तो होते हैं हमारे ऑलरेडी आए हुए डॉग्स जो हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, कोई काम से आए हैं, हॉस्टल पर आए हैं या इस टाइप से, और कुछ होते हैं नए। जो नए होते हैं उनको आइडिया नहीं रहता है क्या करना होता है कैसा करना, बाकी पुराने वालों को सब आइडिया रहता है, इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ नीचे से जब आते हैं तो डायरेक्ट वो ऊपर बोलने पर ऊपर ही जाते हैं और ऊपर जाके फ्रेश होने लगते हैं। नए डॉग्स को हम धीरे धीरे सिखा देते हैं। वहाँ नई प्लेस में अब हम जाएंगे जो कि तैयार हो रही है, नींव वगैरह बन चुकी है, एक तरफ का दीवार बन गई है, उसका वीडियो क्लिप मैं अभी इसमें ऐड कर देता हूँ। अब ये इतना बन गया है, मेरी लाइन में आ रहे को नहीं, दीवार इतनी ऊपर आ गई है, आगे की दीवार बाकी है और ये पीछे की दीवार टूट रही है। अब जब वो बन जाएगी तो वहाँ तो रूट नया ही बनाना पड़ेगा, इनको भी सिखाना पड़ेगा और हमें स्टाफ को भी समझाना पड़ेगा और नए रूल्स बताने पड़ेंगे वहाँ के। हमारे इंस्टा पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि गोल्डन रिट्रीवर का है, 15 डेज की ट्रेनिंग हो चुकी थी, सोजत का था वो। उस डॉग का फर्स्ट डे से लगा के एंड 15 डेज तक का वीडियो यूट्यूब पर पूरे पर डे के हिसाब से आया हुआ है। अगर किसी को ज़्यादा ऐसे संकोच आता है या डाउट होता है कि उसे मारा पीट कर सही किया गया है तो आप वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट डे से एंड डे तक का पर डे वीडियो उसमें आए हुए हैं कम से कम 2, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से इसका नेचर था और धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ, क्या ये मारने की वजह से हुआ या प्यार के साथ रखना और केयर करने की वजह से भी हो सकता है वो हो। ज़रूरी नहीं है सारे ट्रेनर मारते हो, मैं ये नहीं एग्री कर रहा हूँ कि ट्रेनर मारते ही नहीं है, मारते होंगे, कोई बहुत ज़्यादा मारता होगा, कोई जहाँ नीड है वहाँ मारता होगा और कोई शायद सीखने के लिए मार रहा होगा या अपने आप को बचाने के लिए मार रहा होगा, वो सब अलग अलग फैक्टर है, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहूँगा। वीडियो देखो आप तो यूट्यूब पर मेरे सेम चैनल है डॉग लवर प्रकाश, सारे वीडियोज़ पर डे अपडेट्स के तौर पर वहीं पर आते हैं, तो अब से आप भी वहीं पर बने रहें। सारे इंस्टा फॉलोअर्स या मेरे इंस्टा चाहने वाले हों या व्यूअर्स हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा आप वहाँ से देखें हम लोग क्या खाते को देते हैं, कैसे हम रखते हैं पर डे, तो उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी कोई ना कोई, आई होप सो। अब डॉग सब यहाँ रूम से, इस वाले रूम से बाहर निकलेंगे, ये पूरा बड़ा रूम है, आगे ऑफिस भी है, ऑफिस में भी हमने डॉग ही रख रखे हैं। यहाँ से डॉग निकलेंगे, ऊपर आएंगे वो हम लेंगे, उसके बाद थे ऊपर का थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, उसके बाद नीचे जो बड़ी प्लेस है वहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसका वीडियो आज ज़्यादा नहीं आएगा इसलिए छोटा ही बनेगा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, आपको कहाँ जाके देखना है, वीडियोज़ कहाँ देख सकते हैं, हमारे कहाँ देख सकते हैं। ये जो बॉक रहा है वो इसलिए क्योंकि इसे जल्दी ऊपर आना है और वो टाइम लगा रहा है स्टाफ, इस वजह से वो चिल्ला रहे हैं। अगर मैं होता नीचे रूम के पास तो ये भी नहीं होता, बहुत बार जब मैं नहीं होता हूं, तो डॉग यहां से भागते हुए आते तो चीखते हुए आते, और अगर मैं यहां खड़ा रहता हूं और नो बोलता हूं या वो मुझे देखते तो वो भौंकते भी नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं मार रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, देखो सब थोड़ा ये सारे ऊपर आए, अब देखो जो भौंक रहे हैं ना मैं उसको, कौन है ये, इतना बोला मैंने ये चुप हो गए सारे के सारे, अब यहाँ से सीधा ऊपर जा रहे, देखो ए चलो ऊपर ऊपर चलो ऊपर जल्दी ऊपर, सारों को सारा कोई रूट पता है इसलिए सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, चलो ऊपर 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 जल्दी डैनी चलो ऊपर। छोटे बड़े सारे डॉग्स यहाँ सबके साथ ही रहते हैं, साथ कभी कभार ऐसा नहीं होता झगड़ा भी हो जाता है, झगड़ा होता है इसलिए तो हमें लकड़ी रखनी पड़ती है ना उनको सेफ्टी के बचाने के लिए। ये वो एरिया है जहाँ ये फ्रेश करते हैं, ये वो एरिया जहाँ ये खेलते, चीना ऊपर, ये कल का फूड है जो बच गया है थोड़ा बहुत,
खराब नहीं हुआ है क्योंकि ये सोयाबीन है जो कि खराब नहीं होती है, चावल है जो कि खराब नहीं होते है, और छाछ है। अब सारे डॉग यहाँ फ्रेश हो रहे हैं और फिर यहाँ इस एरिया में हम लोग उनको बोन्स वगैरह दे देंगे और फिर मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ भागना होगा वापस जहाँ प्लेस बन रही है।